हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने इस वाणिज्य सब्जेक्ट में बैंकिंग पोर्शन पढ़ रहे हैं, जिनमें पिछली वीडियो में आपने बैंकों के आशय के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम आपसे एक नवीन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बैंकों का प्रकार या बैंकों का वर्गीकरण। ठीक है, बैंक कितने तरह के होते हैं, वर्गीकरण बताता है कि बैंक कितने तरह के होते हैं, बेसिकली वो किस तरह के कार्य को करते हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम आपसे इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप देखें तो जो बैंकों का क्लासिफिकेशन किया गया है, सामान्यतः बैंकों का वर्गीकरण उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर किया गया है। ठीक है, बैंक जिस तरह का कार्य करते हैं उनके उस तरह के कार्य के अनुसार उनको क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है ना, तो मेनली आपके सिलेबस में ये 9 तरह के बैंक हैं, जिनमें से पहला है व्यापारिक बैंक, दूसरा औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, विनिमय बैंक, बचत बैंक अथवा डाकघर बचत बैंक, केंद्रीय बैंक, निर्यात आयात बैंक, विनियोग बैंक और देसी बैंकर्स। ठीक है, तो इन सब के अलग अलग कार्य हैं। जैसे व्यापारिक बैंक क्या कार्य करता है, ये व्यापारियों के लिए या सामान्य जनता के लिए कुछ सुविधाजनक कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसको व्यापारिक बैंक नाम दे दिया गया। दूसरा है आपका औद्योगिक बैंक, ये ऐसा बैंक है जो कि उद्योगों को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको सपोर्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, औद्योगिक बैंक। इस बैंक के माध्यम से नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है। ठीक है, उन उद्योगों को वित्त की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कृषि बैंक, कृषि कार्य को सपोर्ट करने के लिए, किसानों को, कृषकों को सपोर्ट करने के लिए जिस बैंक का निर्माण किया गया है, ये बैंक कृषकों को मेन रूप से सपोर्ट करता है, इसलिए इसका नाम कृषि बैंक रखा गया। विनिमय बैंक, जब हम दूसरे देशों के साथ लेन देन करते हैं तो एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय करना पड़ता है, उसको बदलना पड़ता है, तो ऐसा कार्य करने वाली बैंकें विनिमय बैंक कहलाती हैं। बचत बैंक, लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए जिन बैंकों की उत्पत्ति की गई है उसको बोलते हैं बचत बैंक या डाकघर बचत बैंक। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इस समय बैंकिंग कार्य संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक, ऐसा बैंक, ठीक है, जो इन सारी बैंकों का एक हिसाब से गवर्निंग करता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक कहलाता है। फिर निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्रियाओं को करने के लिए जिन बैंक की आवश्यकता होती है उन्हें आयात निर्यात बैंक कहते हैं। विनियोग बैंक, ऐसे बैंक जो लोगों की अतिरिक्त जमाओं को इन्वेस्ट कराने के बारे में बातचीत करते हैं, उन्हें धन से और अधिक धन कमाने के लिए पैसे कहाँ पर लगाए जाएँ इस तरह की क्रियाओं को संचालित करने के लिए ये सहयोग प्रदान करते हैं। और देसी बैंकर्स, गांव में ऐसे व्यक्ति जो धन के लेन देन का कार्य करते हैं, लोगों को ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, उनको देसी बैंकर्स के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इतने तरह के बैंक हैं और इन सारे बैंकों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हमें पढ़ना है। आज हम आपसे जिस बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है व्यापारिक बैंक। ठीक है, आज हम पहला बैंक पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक, जिसे आपको अपने नोट्स में नोट करना है इसी सीरियल में। ठीक है, अगर व्यापारिक बैंक की बात करें तो व्यापारिक बैंक होता क्या है, तो ये सारी स्पेशलिटीज़ व्यापारिक बैंक में पाई जाती हैं, जैसे देश के आंतरिक व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ऐसा बैंक जो देश के अंदर देश के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, वहाँ देश के अंदर के जो लोग हैं अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, छोटे मोटे बैंकिंग क्रियाओं को संपादित करने के लिए जिस बैंक के साथ जुड़ते हैं उस बैंक को किस नाम से जाना जाता है, व्यापारिक बैंक के नाम से जाना जाता है। ये किसी भी देश को आर्थिक रूप से आंतरिक दृष्टिकोण से सपोर्ट करता है, मीन्स देश के अंदर की जो भी बैंकिंग क्रियाएँ संचालित की जाती हैं ये उनमें सहयोग प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, व्यवसायियों को अल्पकालीन ऋण, ऐसा बैंक ये व्यापारियों को और व्यवसायियों को जिनको धन की आवश्यकता होती है उन्हें ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, मीन्स कम समय के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है ना, अल्पकालीन का मतलब होता है एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष से ज़्यादा अवधि के लिए ये ऋण प्रदान नहीं करता है। संयुक्त स्कंद बैंक है, जिसकी पूंजी अंशों में विभक्त होती है, इसका मतलब क्या है कि ये इस बैंक का जो निर्माण होता है वो कंपनी अधिनियम, ठीक है, 1956
या किसी भी बैंकिंग विधान के अंतर्गत इसका निर्माण होता है, और इन बैंकों को जो पूंजी प्राप्त होती है वो अंशों के निर्गमन से प्राप्त होती है। ये बैंकिंग क्या करती हैं, अपने अंशों को जनता में निर्गमित करती हैं, जनता इनके अंशों को क्रय करती है और उसके बदले इनके पास धन की आपूर्ति होती है, उसी धन से ये व्यवसाय करते हैं। नेक्स्ट, जनता से जब सब प्रकार की जमाएँ स्वीकार करते हैं। पिछली वीडियो में आपसे इसके कार्यों में बताया गया था कि जमा स्वीकार करना, तो उसमें ढेर सारे खाते बताए गए थे, सावधि खाते के बारे में बताया गया था, आवर्ती जमा खाता के बारे में, चालू खाता के बारे में, ठीक है, घरेलू गोलक खाता के बारे में, इस तरह से कई खातों के बारे में आपसे बातचीत की गई थी। तो जितने तरह के लगभग जमा स्वीकार करने से संबंधित खाते होते हैं, इन सारे खातों के माध्यम से ये जनता से क्या करती हैं, जमाएँ स्वीकार करती हैं और व्यापारियों को 3 से 6 माह के लिए ही ऋण प्रदान करती है। एक अल्पकालीन की बात अभी की गई थी आपसे कि ये व्यक्तियों को या व्यापारियों को अल्पकालीन की अवधि मीन्स 3 से 6 महीने, अधिकतम 9 महीने या 1 साल आप मान सकते हैं, 1 साल तक की अवधि के लिए ही ऋण प्रदान करती हैं। इन बैंकों के कार्य का जो संचालन होता है एक संचालक मंडल के द्वारा होता है। इन बैंकों को चलाने के लिए एक संचालक मंडल होता है, कुछ लोगों की एक टीम होती है जिनके द्वारा इन बैंकों को संचालित करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, जो व्यापारिक बैंकें हैं, शुरुआत में स्वतंत्रता के बाद देश में ढेर सारी बैंकें हो गई थी, उसके बाद फिर क्या हुआ, पहली बार फर्स्ट टाइम में 19 जुलाई 1969 को देश की 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब ये होता है कि इसकी 51% इसके 51% शेयर्स को क्या है, गवर्नमेंट ने खरीद लिया। 51% शेयर को किसने खरीद लिया, गवर्नमेंट ने खरीद लिया। तो जब 51% की हिस्सेदारी सरकार की हो जाती है तो उसे मान लिया जाता है राष्ट्रीयकरण करना। तो शुरुआत में 19 जुलाई 1969 को, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बैंकों के राष्ट्रीयकरण चैप्टर में हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। नेक्स्ट, सेकेंड टाइम इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो वो डेट थी 15 अप्रैल 1980 को, उस समय 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया देश के अंदर, पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का किया गया, दोबारा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का किया गया। इस तरह से अगर जोड़ के देखें तो 14, 6, 20 टोटल राष्ट्रीयकृत बैंकें उस टाइम कितनी हो गई थी, 20 हो गई थी, लेकिन बाद में दिवालिया होने के कारण 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक थी न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये एक कांड हुआ था जिसके कारण ये दिवालिया हो गई थी, तो इस बैंक को क्या कर दिया गया था, पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था। मींस न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक दोनों को आपस में मिला दिया गया था और उस बैंक का नाम क्या बना रहा, पंजाब नेशनल बैंक बना रहा और न्यू बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गई, उसके अंदर मिक्स हो गई और इसके नाम से कोई दोबारा दूसरी बैंक नहीं रह गई, मींस इसका विलय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 सहायक बैंक, पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, इसका नाम पहले इंपीरियल बैंक था, ठीक है ना, उसके पहले ये प्रेसिडेंसी बैंकें हुआ करती थी, तो उनके बारे में हम डिस्कस जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पर हम आप बात करेंगे आपसे। अभी सिर्फ आप ये जानें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, इसकी 7 सहायक बैंकें थी, ठीक है ना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, इस तरह से करके इसकी 7 सहायक बैंकें थी, जिनमें से 5 सहायक बैंकों को और एक महिला बैंक, इनको क्या कर दिया, इनका भी स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो स्टेट बैंक में विलय करने के बाद क्या हुआ, स्टेट बैंक क्या हो गई, इसकी जो सहायक बैंकें थी वो 2 ही रह गई। ठीक है, फिर वर्तमान समय में 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, आपने देखा कि यहाँ पे 19 बैंकें राष्ट्रीयकृत थी, बाद में क्या हुआ, अभी बीच में कई कई बैंकों को आपस में मर्ज किया गया है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे कि एक इंडियन बैंक है और एक इलाहाबाद बैंक है, दोनों को मर्ज कर दिया गया, अभी इलाहाबाद बैंक खत्म हो गई, इंडियन बैंक हो गई, इस तरह से कई बैंकों को एक दूसरे में मर्ज करने के कारण 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों की जगह वर्तमान समय में 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें हो गई हैं। ठीक है ना, इन 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा बाकी जो शेष बैंकें हैं वो निजी क्षेत्र की बैंकें हैं, मीन्स वो सारी प्राइवेट बैंकें हैं, जैसे आपकी ICICI बैंक,
ठीक है ना। इस तरह की जो बैंकें हैं वो आपकी क्या है, निजी क्षेत्र की बैंकें हैं। तो आज आपने देखा कि व्यापारिक बैंक क्या होता है, व्यापारिक बैंक किस तरह के कार्य का संचालन करता है, ठीक है, किनको ऋण देता है, कितनी अवधि के लिए ऋण देता है, व्यापारिक बैंकों में प्रथम बार कब राष्ट्रीयकरण किया गया, दोबारा कब राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है ना, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी शाखाओं का विलय कर दिया गया, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ पर राष्ट्रीयकरण के बारे में भी बताया गया कि राष्ट्रीयकरण बैंकों का क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी बैंकों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसे आप अपने नोटबुक में नोट करें। धन्यवाद।